क्या जुबा रहा है? कुछ नहीं अब्बा, वो बुआ ने कुछ किताबें लेने भेजा है, वही लेने जा रहा हूँ। इस वक्त तेरा कौन सा बाप किताबों की दुकान खोल के बैठा होगा? और झूठ बोल रहा है ये, सवलतकारी कर रहा है बेगैरत, रुका लेके जा रहा है, पकड़ो उसे। ओए ओए रोशन 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 रुक जा ना, रोशन पढ़ियो, पढ़ी पढ़ 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 धामे भर। तेरी बेटी की करतूतों ने ना हमारे सरों पे पगड़ियां नहीं रहने देनी अब्बा। पगड़ियां छोड़, इसने हमारे सर ही नहीं रहने देने, सबको मरवाएगी ये। इससे पहले कि हम सब मर जाएं, तुम इसे मार दो या फिर इसकी शादी करा दो अब्बा। तुम तो इसे कुछ कह नहीं सकते, इसका शौहर ही इसे सीधा रखेगा। हाँ अब्बा, अब हमारी बस हो गई है। आज घर से खत निकल रहे हैं, कल को डॉक्टर निकल आएगा। घर को बेहयाई का अड्डा बना कर रखा है इस बदबख्त ने। क्या हो गया? आज किस खुशी में असेंबली का इजलास हो रहा है? तुम घर में रहो तो पता चले ना कि मीनू क्या गुल खिला रही है। यहाँ खत पकड़ा गया है इसका, लव लेटर। बकवास बंद करो, बहन पे इल्जाम लगा रहे। इल्जाम नहीं लगा रहे, सबूत है हमारे पास। और अब भी अगर तुमने इसकी तरफदारी की ना तो तुम्हारे से बड़ा अगला लफ्ज मैं कह नहीं सकता। बाप हो तुम मेरे, इसलिए दे दे गाली अपने सगे बाप को। मैं यही दिन देखने के लिए जिंदा बैठी हूँ। लानती, शर्म नहीं आती तुझे? 9 महीने मेरे पेट में लाते मारी और अब बाप को ताने मार रहा है। अब्बे को ताने मारने की बजाय ना इसको मारो ताकि ये इंसान की बच्ची बने। लाला तू बड़ा है, पहला तेरा बनता, लगा इसे एक। जा मीनू अंदर छुप जा, नहीं तो कहीं ये गैरत के पहाड़ तुझ पे टूट ना पड़े। कोई हाथ तो लगा के दिखाए बुआ को। ये देखो कहा था ना एक दिन सबको मरवाएगी। ये देख इसका तरफदार ना किस तरह बड़ों की आंखों में आंखें डाल रहा है। वो चोर का यार जेब कतरा, ये दोनों एक जैसे हैं। समझा ले लाडले को अपने लाला, कहीं इस बार मैं अपना बदला ना ले लूं। तेरे से तो मैं बाद में बात करता हूँ। बुआ के रुके पहुंचाने वाला बेहया सहूलतकार। बाद में क्या बात करनी है? सबके सामने कर अमीर मोहम्मद, मेरे बेटे को धमकियां देने की जरूरत नहीं है। मीनू ने खत ही लिखा है, कौन सा कोई जुर्म कर दिया है? क्यों पीछे पड़ गए हो सब उसके, और दूसरे चौथे महीने अदालत लगा कर बैठ जाते हो? अगर अपनी गैरतों की इतनी फिक्र है ना तो सुकून से बैठ के उससे बात करो, धमकियां क्यों दे रहे हो? इज्जतदार भाई बहनों को धमकाते नहीं, उनकी बात सुनते हैं। सदके दे रहे भाभी, वाह पहली बार तूने कोई काम की बात की है। मेरा भी यही मशवरा है, पहले मीनू की तो सुन लो। तुम चुप रहोगे तो वो बोलेगी। सारे उसके चारों तरफ जमा हो गए, कहाँ कहाँ शुरू कर दी, उसकी सुन तो लो। ओ क्यों सुने उसकी जब हमारे पास सबूत है, बिला वजह अपने सर में दर्द कराए। ये दिखा मुझे। ले पढ़ ले अगर तू पढ़ सकता है तो। ये तो अंग्रेजी में है। हाँ ताकि कोई पढ़ ना सके, काफरों की जुबान में काफरों के करतूत लिखे हुए इसने। मैं भी लेकिन आज इसका मकूट ठप के ही रहूंगा। आ रहा अभी मास्टर गनी, पूरा तर्जमा करके सुनाएगा हमें। मैं अंदर आ सकता हूँ? वो आ गया मास्टर। घर की बात है, घर में रहने दो अमीर मोहम्मद, क्यों पूरे गांव के सामने खुद को बेइज्जत करा रहे हो? वापस भेजो मास्टर को। ओ तू चुप कर जा और सुन अपनी प्यारी की अंग्रेजी में शेरो शायरी। आ जा मास्टर। आ गया जी, आ गया। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ भैया अमीर मोहम्मद, कौन सा अंग्रेजी का खत पढ़ना है? मास्टर अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अच्छी तरह एक एक लफ्ज पढ़ और उसका तर्जमा सुना। ठीक है। ए भाई मास्टर कम कर, मास्टर के यहाँ से कागज लेके भाग जाऊं। डॉक्टर साहब कैन यू प्लीज गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन राइटिंग? डॉक्टर साहब मेहरबानी फरमाकर मेरे सवालों के जवाब लिख कर दें।
हाँ हाँ अब्बा सुनो, अब सर झुका के क्यों बैठे हो? मासू साहब पढ़े हैं आप? वट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सेल वाली साइकिल कैसे चलती है? आगे है जी, वट इज मियोसिस विच टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट शो मियोसिस, ये मियोसिस क्या है और कौन से टिश्यू पेपर में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है और कौन से में पौधों की खाल? आगे है जी, हाउ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम आर कैलकुलेटेड, इसका मतलब है कि पाकिस्तान एटम बम बनाने में कौन से नंबर पर है? क्या है मीरू? क्यों हंस रही है? भाई अमीर मोहम्मद, और इसमें तो मीनू के कोर्स के सवालों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। बड़ी मेहरबानी मास्टर, तो अब जा, तेरा काम खत्म और मेरा काम शुरू। मीनू बाहर आ। आज के बाद तुम में से कोई भी अगर मेरे पास मीनू का गिला लेकर आया या कोई इस तरह की पंचायत लगाई तो खुदा की कसम उसी वक्त मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। बेहयाओ, खुद तो तुमने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो बेचारी पढ़ रही है तो उसके रास्ते में कांटे बिछा रहे, लंग थी। कॉलेज में पढ़े ना, डॉक्टर के पास क्यों जाती पढ़ने? लोग बातें बनाते हैं। लानत भेजो लोगों पर, तुम सब अपनी बहन पे बातें ना बनाओ, लोगों को देख लूंगा मैं। शर्म करो, बहन को जलील करने के चक्कर में हर बार खुद जलील हो जाते। रोशन जा दे आ ये सवालनामा डॉक्टर को। ठहर जा अब्बा, मैं दे आता हूं, मीनू के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। ला, मुझे दे। और बैठे क्यों हो, जाओ दफा हो।